अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हम लोग अभी जुड़ो नामी एक विलेज में मौजूद हैं, जहाँ पर मिद्रा इंस्टीट्यूट ने टेंट्स लगाए हैं लोगों के लिए, और अभी हम लोग यहाँ पर लंच डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि बारिशों की वजह से जो सैलाब आया था उसकी वजह से लोगों को नकल मकानी करके यहाँ पर शेल्टर इख्तियार करना पड़ रहा है। और न्यूज़ इसके यहाँ पर अगेन बारिश स्टार्ट हो गई है, और ये बारिश तकरीबन कोई पिछले एक डेढ़ घंटे से चल रही है। सो ये यहाँ की सूरत हाल है। हमारे साथ यहाँ पर हमारे अल मिद्रा इंस्टीट्यूट के वेलफेयर डिपार्टमेंट के हेड अली भवानी भाई मौजूद हैं। अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे इस इलाके के बारे में बताइएगा, यहाँ पर अंदाजन कितने लोग उन्होंने शेल्टर अख्तियार किया हुआ है? इन शेल्टर्स के अंदर जो है ना तकरीबन 40 के करीब शेल्टर लगे हुए हैं। ये जुडो शहर से थोड़ा सा बाहर एक प्लॉट है, जिसके ऊपर यहाँ पे 40 के करीब कुछ शेल्टर्स लगाए हुए हैं, जिसमें शहर से बाहर जो एरियाज जो गांव डूब गए थे वहाँ से लोगों को ला के यहाँ पे जो है वो शेल्टर प्रोवाइड किया गया। सही। और इसमें जो है वो हम लोग रोज़ाना की बेसिस पे यहाँ पे खाना प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। कोशिश है कि इनको हर तरह की जो है वो सहूलत यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, के अंदर प्रोवाइड की जाए। सर, दो तीन बंदों को बुलाएगा जी, अलमिद्रार से आए हैं राशन लेके, खाना लेके आए हैं, दो तीन लोगों को बताएगा ताकि हमारी हेल्प कर सके खाने करने में। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। अगर मैं आपको, आप देखिए मेरे पीछे, बारिश की वजह से ये जो मिट्टी है बिल्कुल दलदल नुमा हो चुकी है, और बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है हम लोगों के लिए भी यहाँ वॉक करना। पर हम लोगों का मेन मकसद ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों के एफर्ट्स को कबूल करें, उन तमाम भाइयों के एफर्ट्स को कबूल करें जिन्होंने इस काले खैर में अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डाला है।